Hello all. So last time we have discussed about a display operation. Okay. Now we will discuss about remaining operations. So if case equal to case is one, then display op stack and break it. Okay. Remember this particular part. You have to break each and every time. Okay. You have to break that particular case. Case खत्म होने के बाद उसे break करना है switch के अंदर. ये हमें हमेशा आपको याद रखना है. It is very important. Otherwise क्या होता है? कभी-कभी कैसे होता है? पहला भी case execute होता है, दूसरा भी case execute होता है. तो ये चीजें हो सकती है. तो हमेशा आपको याद रख के case खत्म होने के बाद उसे break करना है. Okay. So break statement is mandatory. Okay. As far as switch is considered, switch case is considered. Okay, ये आपको पहले ही सिखाया गया है. सी प्रोग्रामिंग जब आपने सीखा उस समय ये चीजें छोटी छोटी चीजें सिखाई गई है. ओके, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स थे जो आपको सी में सिखाए गए. उसे केवल आपको डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इम्प्लीमेंटेशन में यूज करना है. ठीक है, केस टू यदि होगी तो क्या होगा, ये हमें इंसर्शन करना है. तो प्रिंट एफ एंटर आइटम टू बी इंसर्ट. ठीक है, हम स्कैनर करके आइटम को क्या करेंगे, इनपुट करके लेंगे. इसके लिए यहाँ पर हमने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया था आइटम नाम का. जो भी नया एलिमेंट लेना है वो कहां पर देंगे, हम आइटम नाम के इंटीजर वेरिएबल देंगे. और हमने चॉइस क्यों किया था वो भी पता चला आपको. ओके, चॉइस के किस लिए किया था, हमें कौन सा ऑपरेशन करने वाला है ये पता चलने के लिए हमें इंटीजर वेरिएबल लिया था जिसका नाम चॉइस था. ठीक है, तो हम केस टू के अंदर आए, हमने एलिमेंट इंसर्ट करके लिया और बाद में हमने पुश फंक्शन को कॉल किया. ओके, पुश फंक्शन को जब कॉल किया तो हमें दो चीजों की जरूरत थी. एक तो क्या चाहिए था, एरे चाहिए था, एरे पास किया. और दूसरी क्या चीज थी, जो एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है उसे भी पास करना था. लास्ट टाइम मैंने गलती से बताया था कि एक सेकंड पैरामीटर जो है इंटीजर पैरामीटर है और वो टॉप के लिए, हमें टॉप के लिए नहीं यूज कर रहे, हम किसके लिए यूज कर रहे, जो भी नया एलिमेंट है जिसे हमें इंसर्ट करना है उसके लिए यूज कर रहे हैं. और वो भी एलिमेंट इंटीजर है, इसके लिए हम इंटीजर पैरामीटर यूज करते हैं. ठीक है, तो सेकंड पैरामीटर क्या है, आइटम. ओके, जो एक इंटीजर पैरामीटर है, जो भी नया एलिमेंट होगा वो हम क्या करेंगे, पुश करेंगे. हम पुश करते समय जो नया एलिमेंट है उसे पैरामीटर के रूप में पास करने की जरूरत है. मैंने ये बार बार से थ्योरी सेशन में रिपीट भी किया है. लेकिन जब हम पॉप करते हैं तो कौन से एलिमेंट को पॉप करना है हमें पता होता है. जहां टॉप इंडिकेट कर रहा है, जहां टॉप पॉइंट कर रहा है, उस एलिमेंट को हमें क्या करना होता है, पॉप करना होता है, डिलीट करना होता है. तो वहां पर पैरामीटर की जरूरत नहीं है. लेकिन जब हम पुश करते हैं उस समय हमें नया एलिमेंट जो भी इंसर्ट करना है उस वैल्यू की जरूरत है, पैरामीटर की जरूरत है. तो पुश के लिए दो पैरामीटर है, लेकिन जब पॉप के लिए हम कॉल करेंगे तो फिर एक ही पैरामीटर होगा, वो एरे होगा डायरेक्टली. ठीक है, अब हमने पुश को कॉल किया है तो हम पुश के पास जाएंगे. और पुश के पास जाके हम पहले क्या करेंगे कि यदि हमारा टॉप इक्वल टू माइनस सॉरी टॉप इक्वल टू मैक्स माइनस वन है क्या, मतलब हम जो हमारी जो एरे की साइज है यदि 10 है तो 0 to 9 एलिमेंट्स रहेंगे. यदि हम हमारा टॉप पॉइंटर 9 पर पहुंच गया है, इसका मतलब ये है कि हमने एरे को यूटिलाइज किया है, फुल एक्सटेंड में यूटिलाइज किया है. अब हम एरे में एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते, इसके बाद में ऐड नहीं कर सकते. यदि ऐड नहीं कर सकते तो हम क्या मैसेज देंगे, स्टैक इज फुल, कांट ऐड एलिमेंट. सो दिस इज ओवरफ्लो कंडीशन. ठीक है, दिस इज ओवरफ्लो कंडीशन. ओके, वी हैव डिस्कस अबाउट ओवरफ्लो कंडीशन ऑफ अ स्टैक. ठीक है, तो यदि नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमको टॉप को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है. पहले तो टॉप को इंक्रीमेंट करना है और उसके बाद स्टैक ऑफ टॉप इक्वल टू आइटम. ओके, जो भी एलिमेंट है ओके उस एलिमेंट को इंसर्ट करना है. यदि इनिशियली टॉप की वैल्यू यदि 0 है तो मतलब एक एलिमेंट प्रेजेंट है. टॉप की वैल्यू 0 है मतलब क्या है, हमारे स्टैक में एक एलिमेंट प्रेजेंट है. तो हम टॉप को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे. तो टॉप 1 बन गया और बाद में क्या करेंगे, स्टैक ऑफ 1 इक्वल टू आइटम. मतलब सेकंड प्लेस पर इंडेक्स 1 पर हम क्या करेंगे, नया एलिमेंट ऐड करेंगे. ओके, हमारे केस में यदि हमारे स्टैक की साइज यदि 5 है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर टॉप कहाँ पर है, 2 पर है. तो हम टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे. ओके, टॉप को क्या बनाएंगे, 3 बनाएंगे, यहाँ पर लेके आएंगे. और जो भी नया एलिमेंट है वो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे. लेट अस सपोज 20 एडेड. ठीक है, तो स्टैक ऑफ टॉप इक्वल टू आइटम. आइटम मतलब नया एलिमेंट जो भी आपको ऐड करना है. यू कैन टेक एनी वेरिएबल नेम. ओके, आप नया कुछ अलग वेरिएबल नेम भी यूज कर सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू. ठीक है, सो पुश इज वेरी इजी, वी हैव टू जस्ट चेक इट ओवरफ्लो कंडीशन. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट केस इज दैट अबाउट अ पॉप. केस 3, ओके, दिस इज फॉर डिलीशन. सो पॉप ऑफ स्टैक. ठीक है, तो हम पॉप फंक्शन पर आएंगे. अब आपको पता चला है कैसे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और कैसे हम नीचे आ रहे हैं. ठीक है,
जब हम यूज कर रहे हैं तब हम एरे को पास कर रहे हैं, और पास करने के बाद हम पहले चेक करेंगे कि हमें तो डिलीट तो करना है, पॉप तो करना है। ओके, जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हम चेक क्या चेक कर रहे हैं कि स्टैक फुल है क्या, कि स्टैक यदि फुल होगा तो नया इंसर्शन नहीं कर सकते, पहले से भरा हुआ है तो हम नया नया कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते। और जब हम डिलीट करना है, निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले से एम्प्टी है क्या, यदि एम्प्टी है तो नहीं निकाल सकते, इट इज नॉट पॉसिबल, सो वी आर चेकिंग इट ओके फॉर अ स्टैक अंडर फ्लो कंडीशन। टॉप इक्वल टू -1, स्टैक इज एम्प्टी। ओके, यदि -1 नहीं है, मतलब स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं। तो कैसे डिलीट करेंगे, पहले तो डिलीटेड आइटम जो है वो हम स्टोर करके रखेंगे। हमने एक वेरिएबल लिया है, देखो एक इंटीजर वेरिएबल है डिलीटेड आइटम, आप देख सकते हो। उस डिलीटेड आइटम वेरिएबल में हमने जो टॉप में जो एलिमेंट है, स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है, मतलब अब यदि डिलीट करना होगा तो 21 डिलीट होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन ये हुआ है यही डिलीट होगा हमारा। तो इस एलिमेंट को पहले क्या कर रहे हैं हम, ओके 21 को क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल में स्टोर करके रख रहे हैं। ओके, कौन से वेरिएबल में, डिलीटेड आइटम, मतलब कौन सा आइटम हमने डिलीट किया है ये पता चले हमें। और इसके बाद हम टॉप को डिक्रीमेंट कर रहे हैं, जब हमने डिस्प्ले किया था उस समय हमने आई वेरिएबल लिया था और आई को डिक्रीमेंट किया था, मैंने ये बताया था आपको लास्ट सेशन में, ठीक है। लेकिन जब हम पॉप ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम और एक वेरिएबल नहीं लेंगे, डायरेक्टली टॉप को क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, मतलब टॉप 3 में था, अब टॉप क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम यदि डिलीट करेंगे तो टॉप 1 बन जाएगा, नेक्स्ट टाइम करेंगे तो टॉप 0 बन जाएगा, तो टॉप भी चेंज होगा। इसके बाद और एक बार करेंगे तो टॉप -1 कर देंगे और बताएंगे कि स्टैक एम्प्टी है हमारा अभी, ठीक है। तो टॉप को डिक्रीमेंट करना मतलब एलिमेंट को डिलीट कर देना, ओके, और टॉप को डिक्रीमेंट ना करना, टॉप को एज इट इज रखना, और एक वेरिएबल लेके यदि हम डिक्रीमेंट करते आएंगे तो हम डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। सो डिलीटेड सक्सेसफुली, और डिलीटेड आइटम को हमने दिखाया, इसके लिए हमने डिलीटेड आइटम को क्या करके लिया, हमने एक वेरिएबल में स्टोर करके लिया, क्योंकि बाद में हमें ये मिलेगा ही नहीं डिलीटेड आइटम। एक बार हमने टॉप को डिक्रीमेंट कर लिया तो बाद में हमें डिलीटेड आइटम नहीं मिल सकता, क्योंकि हम उसे रेफर ही नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है रेफर ही करना। ओके, तो मैं एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ओके, जिससे आपको ये चीजें और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉप ऑपरेशन एंड डिस्प्ले ऑपरेशन, आपको मैं बता रहा हूँ क्या डिफरेंस है, ठीक है। मान लीजिएगा आपने एक किताब है, नोटबुक है, और उस नोटबुक में आपने कुछ लिखा है कि कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स लिखे हैं आपने, और ये इम्पोर्टेंट नोट्स कुछ आप काम कर रहे हैं, कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, और वहां पर जो वर्क फ्लो है आपका उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स आपने 10 इम्पोर्टेंट नोट लिखे, 10 पॉइंट्स है। बाद में ये हुआ कि 10 दिन बाद और 20 दिन बाद आपको पता चला जो भी मैंने 10 पॉइंट्स लिखे थे, ओके, वो मैंने गलत लिखे थे, ओके, उसमें कुछ मुझे चेंजेस करने की जरूरत है, इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है, क्योंकि और ये इम्प्रूवमेंट के बारे में मेरे जो सीनियर ऑफिसर थे मुझे उन्होंने मुझे बताया कि ये आपने कुछ गलत लिखा है, आप उसे मॉडिफाई कर दीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा। तो दो पॉसिबिलिटीज है, ओके, आप ऐसे कर सकते हो, उस कॉपी को एज इट इज रख सकते हो और दूसरी कॉपी बना सकते हो जिसमें आप मॉडिफाई कर सकते हो। इस तरह से आपको यदि करना है तो पहली वाली कॉपी भी बाद में आप देख सकते हो, मैंने पहले गलत लिखा था, लेकिन गलत क्या लिखा था, गलती क्या हुई थी, मैं बाद में देख सकता हूँ, क्योंकि ये पहली वाली कॉपी हमने आर्काइव में रखी है, बाजू में रख दी है। ओके, तो डिस्प्ले करना मतलब इस तरह से काम है। ओके, मैं केवल क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले करके एलिमेंट्स को देख रहा हूँ, लेकिन एलिमेंट्स डिलीट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर किसी कॉर्नर में कॉपी बना के रख रहा हूँ, तो बाद में यदि जरूरत होगी तो उसे मैं यूटिलाइज करूंगा। और पॉप ऑपरेशन का मतलब क्या है, आपके सीनियर ऑफिसर ने आपको फायर किया और बताया कि आपने जो लिखा है वो पूरी तरह से गलत है, आप उस कॉपी को क्या करो, तो ओके, निकाल दो यहाँ से, जरूरत ही नहीं है उस कॉपी की, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो पूरी तरह से मॉडिफाइड वर्जन बोल रहा हूँ आपको, और वो प्रोसीजर आप एडॉप्ट करो और ये लिख के रखो। यदि आप पुरानी वाली प्रोसीजर वैसे ही रखोगे तो शायद आप कभी कंफ्यूज हो जाओगे, सो रिमूव इट टोटली, इन टोटली। तो आप क्या कर रहे हो उसे, ओके, आप उसे उस चीज को जला के रख रहे हो, ओके, आपने उस चीज को क्या किया, ओके, फाड़ के फेंक दिया, और बेटर है फाड़ के फेंक देने से, आपने उसे जला दिया, उस कागज को ही जला दिया, क्योंकि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, सो नेक्स्ट टाइम यू कैन नॉट यूज इट। ओके, तो पॉप ऑपरेशन इस तरह से है, ओके, नेक्स्ट टाइम उसे आप उस कॉपी को यूज नहीं कर सकते, आपने आपने उसे खत्म कर दिया है, ओके, डिस्ट्रॉय कर दिया है।
लेकिन डिस्प्ले ऑपरेशन इस तरह से आप बाद में उस कॉपी को भी देख सकते हो, मैंने क्या गलती तो की थी, लेकिन क्या गलती की थी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले एंड पॉप ऑपरेशन।